से अगरबत्ती पैकिंग होता है, सबसे पहले इसको देखिए अलग अलग जो है वेट करके इसको रखा जाता है। देखिए किस तरह से ये रखा हुआ है, सभी को अलग अलग 40-45 ग्राम का ये वेट के हिसाब से सब अलग अलग इस तरह से रखा जाता है। ये देखिए सेंटेड अगरबत्ती है, इसमें सेंट डाला हुआ है पूरी तरह से सेंटेड। अगरबत्ती मशीन किस तरह से होता है, आपको इसका पूरा सिस्टम हम बताते हैं कि अगरबत्ती बनता कैसे है आखिरकार। देखिए ये पूरा का पूरा मशीन आप देख रहे हैं, ये फीडर बोला जाता है इसको। यहाँ पर देखिए तिल्ली रखा जाता है और तिल्ली ऑटोमेटिक जो है यहाँ से बाहर निकलकर इसमें आता है, फिर नोजल में आता है। नोजल में आने के बाद यहाँ डाई में आता है और यहाँ से कंप्लीट अगरबत्ती बन के तैयार होके बाहर निकल जाता है। उसके बाद जो है देखिए यहाँ से किस तरह से जो है यहाँ रैपर में ये पैकिंग होकर जो है डाला जाता है, इसमें देख सकते हैं। देखिए इसमें अगरबत्ती अभी डाला हुआ है, ये देख सकते हैं, और ये पूरे का पूरे रैपर अभी जो है खुला हुआ है। इसको जो है अब सीलिंग मशीन से सील ये किया देख सकते गया। हैं, ये जो अगरबत्ती आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा अगरबत्ती तैयार है। ये धूप में सुखाया हुआ अगरबत्ती है और पूरा ये तैयार अगरबत्ती है, A1 क्लास का अगरबत्ती है। और सभी जो है ये बंडल बनाकर जो है देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्टोर रूम में रखा हुआ अगरबत्ती है। का इसका तिल्ली तिल्ली जो है इस तरह से आता है, देख सकते हैं। ये इसको जो है चाइना बम्बू स्टिक बोला जाता है। ये जो तिल्ली आप देख रहे हैं, ये तिल्ली चाइना से आता है। जी हाँ, ये तिल्ली चाइना से आता है, क्योंकि अपने इंडिया में बहुत कम ही बनता है। चाइना बम्बू से ये तिल्ली बनाया जाता है मशीन के द्वारा। और ये देख सकते हैं किस तरह से बंडल बंडल बना हुआ आता है इसका, पूरा का पूरा देख सकते हैं, ये बंडल बना हुआ इस रहता तरह है। से अगरबत्ती पैकिंग होने के बाद जो है यहाँ पे स्टोर में रखा जाता है। ये देखिए ये आपको दिखा रहे हैं, ये 10 वाला अगरबत्ती है, जो आप मार्केट में 10 रुपया में एक पीस अगरबत्ती खरीदते हैं, वही अगरबत्ती पैकिंग होकर यहाँ बंडल बना है। एक एक दर्जन का ये बंडल है। उसके बाद आपको ये भी दिखाते हैं, देखिए ये 5 वाला अगरबत्ती है, इसका पूरे का पूरे एक लच्छी का जो है, एक दर्जन का एक लच्छी आता है। सुपर पॉच ये भी आता है, ये देख सकते हैं, अभी पैकिंग नहीं हुआ है, इसमें अभी पैकिंग होना है। ये अलग अलग कलर अलग अलग डिजाइन का आपको जिपर पाउच में भी 200 ग्राम में अगरबत्ती, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का अगरबत्ती तमाम मिलता तरह है। की सेंट जो परफ्यूम्स है, ये परफ्यूम्स यहाँ पे यूज होता है, अच्छे क्वालिटी का परफ्यूम्स है। रुद्राक्ष का देख सकते हैं, 500 ग्राम का 780 रुपया प्राइस है। उसके बाद और भी कई अलग अलग तरह का परफ्यूम है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का परफ्यूम यूज होता नमस्कार, है। मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं DNY बिजनेस आइडिया। जी हाँ, तो आपको मैं पूरा आज कंप्लीट प्रोसेस और कंप्लीट जानकारी दूंगा अगरबत्ती लघु उद्योग के बारे में। फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत है और आज आपको मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि अगरबत्ती किस तरह से बनता है, क्या प्रोसेस है पूरा अगरबत्ती बनाने का, बनाने से लेकर पैकिंग तक करने का। और जो अगरबत्ती आप मार्केट से 5 रुपये 10 रुपये का पैकेट लाकर घर में जलाते हैं, आखिरकार वो अगरबत्ती बनता कैसे है, कहाँ से आता है मटेरियल, किस तरह से मशीन चलता है, कैसा मशीन होता है, और अगरबत्ती पूरा बनाने का प्रोसेस क्या होता है, पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। उससे पहले आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, DNY बिजनेस आइडिया के साथ आपको नए नए बिजनेस आइडिया से संबंधित वीडियो मिलता रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा अगरबत्ती मशीन। ये आप देख सकते हैं आपके सामने, ये जो मशीन है ये अगरबत्ती बनाने वाला मशीन है। जी हाँ, ये अगरबत्ती ऑटोमेटिक मेकिंग मशीन है। ये देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पावर बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पे ये जो पावर प्लग है, इसका मेन प्लग है, इसको यहाँ पर लगाया जाता है। और इस ये जो डाला आप देख रहे हैं, इसमें मटेरियल डाला जाता है, और फिर यहाँ पे स्टिक डाला जाता है, और ये ऑटो फीडिंग होता है, ये इसको फीडर बोला जाता है। यहाँ से ऑटो फीडिंग होके स्टिक जो है यहाँ सीधे नोजल में आता है, ये नोजल और डाई बोला जाता है इसको। ये डाई से जो है फिर यहाँ से कंप्लीट अगरबत्ती बन के तैयार हो जाता है और बाहर निकल जाता है। तो अभी आप जुड़े हुए हैं भास्कर अगरबत्ती इंडस्ट्री
के साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भास्कर अगरबत्ती इंडस्ट्री का सर्टिफाइड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सर्टिफिकेट है भास्कर अगरबत्ती। तो भास्कर अगरबत्ती में आखिरकार अगरबत्ती बनता कैसे है, कैसे पैकिंग होता है, सारी जानकारी आपको हम देंगे, बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलिए हम भास्कर अगरबत्ती के गोडाउन में लेकर आपको चलते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा कंप्लीट अगरबत्ती, ये यहीं इसी मशीन से बनकर निकला है। जो मशीन आपको अभी मैंने दिखाया उसी मशीन से ये अगरबत्ती बन के निकला है। मशीन से बनने के बाद उसको धूप में सुखाया जाता है और सुखाने के बाद इस तरह से बंडल बनाया जाता है। आप देख सकते हैं ये आधा आधा के जी का जो है ये बंडल है और ये कम्प्लीट सूखा हुआ अगरबत्ती है। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वालिटी का अगरबत्ती यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। और इसमें जो लगने वाला मटेरियल है ये आप देख सकते हैं, ये बांस का तिल्ली लगता है, ये चाइना बम्बू स्टिक इसको बोला जाता है। उसके बाद इसका जो पाउडर, ये जो आप मसाला जो देख रहे हैं, ये जो मसाला जो लगता है इसका एक पाउडर आता है, प्रीमिक्स पाउडर का पैकेट आता है। इसके साथ एक और पाउडर आता है जो कि दोनों को मिक्स करके फिर मशीन में डाला जाता है। उसके बाद का प्रोसेस आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए भास्कर अगरबत्ती के गोडाउन में ये जो है डीपी ऑयल है, डीपी ऑयल के साथ में परफ्यूम को मिक्स किया जाता है। आपको परफ्यूम हम दिखाना चाहेंगे। देखिए ये तमाम तरह का बढ़िया क्वालिटी का परफ्यूम है रुद्राक्ष का, देख सकते हैं इसका प्राइस 780 रुपया आधा केजी का। ये देखिए अलग अलग डिवाइन का एमआरपी 720 रुपया आधा केजी का। बहुत ही अच्छे क्वालिटी का परफ्यूम जो है यहाँ पर यूज होता है। ये देख सकते हैं सीलिंग मशीन है, ये देख सकते हैं कांटा है वेट करने के लिए, ये जो है आप देख रहे हैं ये रस्सी इस तरह से बंडल बनाने के लिए यूज होता है रस्सी का। और फिर जो है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं उसके बाद का प्रोसेस आपको हम दिखाते हैं। ये जो आप बंडल देख रहे हैं इसमें पूरा तरह से सेंटेड है, इसमें सेंट डाला हुआ है और उसको फिर इसके बाद इस तरह से अलग अलग वेट करके इस तरह से रखा जाता है। देख सकते हैं अलग अलग वेट करके रखा जाता है। इसके बाद जो इसका पाउच आता है जिसमें पैकिंग होता है, आपको हम पाउच दिखाते हैं। देखिए ये 10 वाला पाउच है, जो मार्केट से आप 10 रुपए का अगरबत्ती खरीद के लाते हैं वही ये 10 वाला पाउच है। 6 पीस का इसका लच्छी आता है। और इसके बाद जिपर पाउच भी आता है, ये देख सकते हैं अलग अलग कलर का आपको जिपर पाउच मिल जाएगा जिसमें कि 200 ग्राम का पैकिंग होता है। ये जिपर पाउच है, इसमें देखिए इधर से खोलने वाला सिस्टम है, जिप लगा हुआ है। और उसके बाद एक और पैकिंग होता है यहाँ पे 5 वाला, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं ये अभी पैकिंग किया हुआ है 5 वाला अगरबत्ती है। ये एक दर्जन का पूरा लच्छी आता है। और 10 वाला अगरबत्ती का बंडल जो है आप देख रहे हैं इस तरह से बनता है। ये 10 वाला अगरबत्ती है, एक एक दर्जन का इसका कंप्लीट जो है अगरबत्ती पैकिंग हो जाता है। और अगरबत्ती अभी जो पैकिंग जो हो रहा है आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से अगरबत्ती पैकिंग होता है। इसमें यहाँ अलग अलग वेट करने के बाद इसको उठाकर जो है इसमें डाला जाता है। और यहाँ देख सकते हैं अभी ये खुला हुआ है और इसमें अगरबत्ती है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये फिलिंग हो चुका है अगरबत्ती इसमें। और अब इसको सीलिंग मशीन से जो है इसको पूरा का पूरा सील किया जाएगा, सीलिंग मशीन से ये सील हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं DNY न्यूज़ का फाउंडर एंड CEO भी हूं, मैं पहले से न्यूज़ से जुड़ा हुआ हूं और आप लोगों के लिए लगातार अपडेट लाता रहता हूं। हमारा एक और चैनल है DNY न्यूज़, अगर उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको ये बता दें कि ये भास्कर अगरबत्ती इंडस्ट्री जो है ये मैंने ही स्टार्टअप किया हूँ, बस ये दशहरा से 10-15 रोज पहले जो है स्टार्टअप हुआ है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अपने क्षेत्र में सभी जो है हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और ये हमारा पूरा का पूरा जो है ये गोडाउन है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा स्टोर रूम है। इसमें हम तमाम अपना अगरबत्ती से जुड़ा हुआ मटेरियल रखते हैं, तैयार किया हुआ भी अगरबत्ती रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे मेरा
पैकिंग किया हुआ अगरबत्ती है, देख सकते हैं ऊपर जो है आपको ये तमाम रैपर है, अलग अलग रैपर है जिसमें हम पैक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगरबत्ती जो है दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मिलता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। अगरबत्ती बनने के बाद पूरा का पूरा उसको धूप में सुखाया जाता है, जबकि और भी जो मैन्युफैक्चरर है, जितने भी मैन्युफैक्चरर है, आपको बता दें कि धूप में अगरबत्ती को कोई नहीं सुखाता है, सभी ड्रायर या पंखा में सुखाता है। तो बेशक आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वालिटी का अगरबत्ती मिलेगा, बहुत ही बढ़िया सेंटेड अगरबत्ती मिलेगा। तो जितने भी हमारे व्यापारी भाई सेल्समैन हैं, हमसे जुड़कर आप बिजनेस भी कर सकते हैं, साथ में जितने भी दुकानदार भाई हैं हमारे आस पास के, आप लोग अगरबत्ती ऑर्डर भी दे सकते हैं। ऐसे आप लोगों के दुकान पर भी हमारा अगरबत्ती पहुंच रहा है, और सेल्समैन के लिए सुनहरा अवसर है। आप लोग हमसे जुड़कर इस तरह का पैक किया हुआ अगरबत्ती आपको पूरा का पूरा कंप्लीट पैकिंग यहां से अगरबत्ती मिल जाएगा, और यहां से अच्छे रेट में आप लोग अगरबत्ती लेकर सेलिंग करके दिन का जो है आराम से आप 1000 रुपया तक रोज का इनकम कर सकते हैं। तो मेरा मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा नीचे, इस पर आप किसी भी तरह की जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। भास्कर अगरबत्ती के नाम से जो है अपना बहुत जल्द ब्रांड छप के आने वाला है। आपको बता दें कि अभी मैंने स्टार्टअप किया है, इसीलिए जो है ये तमाम जितने भी तरह के पैकिंग आपको दिखाए, ये रेडीमेड पैकिंग अभी फ़िलहाल हम चला रहे हैं। ये जितने भी पैकिंग आपने देखा, ये सभी का सभी रेडीमेड पैकिंग है, लेकिन बहुत जल्द जो है अपना भास्कर अगरबत्ती के नाम से प्रिंटिंग होने वाला है। तो बहुत जल्द जो है अपने क्षेत्र में भास्कर अगरबत्ती धमाल मचाने वाला है। तो जुड़िए हमारे साथ और बिजनेस करिए हमारे साथ मिलकर, अगरबत्ती सेलिंग करके आराम से आप रोज़ाना 800, 1000, 1200 रुपया तक का इनकम कर सकते हैं। बाकी सुपौल में कहीं भी अगर आप लोग ऑर्डर देते हैं तो आपको 15 दर्जन 20 दर्जन 25 दर्जन जो भी आपका ऑर्डर रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी चार्ज आपको नहीं लगेगा, आपके दुकान तक या घर तक आपको अगरबत्ती पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये जानकारी आपको कैसा लगा? आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। विस्तृत जानकारी के लिए अगर आप हमारे स्टोर पर आकर देखना चाहते हैं तो आप आकर यहाँ देख सकते हैं, हमारा इंडस्ट्री विजिट कर सकते हैं। पता है सुपौल जिला किशनपुर प्रखंड शिवपुरी पंचायत के बेलही गाँव वार्ड नंबर 10, और आपको मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, इस नंबर पर आप कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। और इसी तरह की अलग अलग बिजनेस से रिलेटेड जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।